है आई एम सुनंदा एंड इस वीडियो में मैं आपको अपने डिस्क की ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाली हूँ। और ये मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी अपनी स्टडी टेबल, फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहला शुरू करते हैं। ये मेरी टेबल क्लॉथ है जिसको मैंने बनाई है। मैंने बनाई है मतलब है एक धोती का कपड़ा है जिसको मैंने ब्लॉक प्रिंट करवा के ऐसे बनाया है, और ये बहुत पुराना हो चुका है पर मुझे पसंद है इसलिए मैं इसे अभी भी अपनी टेबल पर रख रही हूँ। ये कॉफ़ी मग है जिसको मैं अपनी स्केच पेन रखने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड ये फोन केस है जिसको मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि पेंसिल, स्केचेस, ये सब चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेरे कुछ हाइलाइटर्स है जिसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। एंड ये कुछ पेंसिल कलर्स है, और ये बहुत पुरानी है, जो छोटा वाला पैकेट आता है ना, 10 रुपए का शायद होता है एक पैकेट, याद नहीं आ रहा है, पर बहुत पुराना है और अभी तक चल रहा है। एंड ये गिफ्ट है, पेन स्टैंड है ये एक, और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे इसीलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी पेन रखती हूँ ऑब्वियसली। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये एक कैंडल है, मतलब कैंडल नहीं, कैंडल स्टैंड है, और इसमें मैं अपनी कैंडल्स रखती हूँ। और सबसे अच्छी बात है इसको मैंने बनाई और ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपको भी लग रहा होगा मुझे पता है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। रात में जब मैं इसमें कैंडल रखती हूँ तो अच्छी लगती है बहुत। ओके, तो ये है एक फ़ोन केस जिसको मैंने कलर्स एंड जिंक यूज़ करके ये बनाई हूँ, और ये बहुत अच्छा लगता है, दिखता भी है, और इसमें मैं अपनी सारी वाटर कलर्स रखती हूँ। और इसको मैंने इसीलिए अपनी स्टडी टेबल पर रख रही हूँ ताकि, क्योंकि मैं इसे अपनी बुलेट जर्नल जर्नल में यूज़ करती हूँ और ये अच्छा भी लगता है अपनी स्टडी टेबल पर, तो इससे मैं अपनी स्टडी टेबल पर रख रही हूँ। और ये जो क्यूट सा डॉल आप देख रहे हैं ना, ये भी एक दिया हुआ है, ये कोकोनट शेल से बना हुआ है और ये बहुत अच्छी लग रही है। मैं खुद की तारीफ खुद कर रही हूँ पर ये सच है, ये बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसके बाल मैं काटना भूल गई हूँ इसीलिए मैं इसे छुपा लेती हूँ ताकि किसी को नज़र ना आए, आप तो देख चुके हैं पर फिर भी किसी को नज़र ना आए इसीलिए मैं इसे छुपा लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपनी कुछ बुक्स रख रही हूँ जिसको मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये बहुत ही अमेजिंग बुक्स है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, और मैं पढ़ने के बाद इसकी समरी के लिए एक वीडियो भी बनाऊँगी। एंड अभी मैं डेकोरेशन के लिए साइड में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड कुछ फेरी लाइट्स लगाई हूँ ताकि ये बहुत
अच्छी दिखे और भी सुंदर दिखे। और ये वॉल पर जो आप पेंटिंग्स दिख रहे हैं उसको भी मैंने बना के लगाई हूँ, ये भी मुझे अच्छी लग रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।